जिद है अब तो है खुद होना है तुझ में क्योंकि अभी के टाइम में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टाइप रील तो जरूर से देखिए क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अगर आप भी कुछ स्टाइप रील क्रिएट करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है रील वायरल होने के, क्योंकि कंटेंट अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आज की वीडियो में आप इस कारण लो कि अपने स्टाइप रील को एड कर सकते हो एंड कैसे अपने रील को वायरल भी करा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो पहले आप पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने VNF को ओपन कर लेना है। तो कैसे ओपन कर लेंगे और इसे प्ले स्टोर पर जाकर बहुत इजी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। देन क्या करना है, आपका प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, आपका भी दिख रहा हो सबसे नीचे, तो गाइस यहां पे क्लिक करेंगे और ऐसे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो आप क्लिक कर देंगे। देन गाइस आपका से अपने कोई बिल्कुल सिंपल सी एक वीडियो चूज कर लेनी है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सिंपल टाइप की हो। तो जैसे मैं ऐसे वाली वीडियो चूज कर लूंगा तो इस पर क्लिक करेंगे और पैर वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, आपका सबसे नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। सो गाइस आपकी वीडियो आ चुका है। तो अभी क्या करना है, आपको वीडियो को फ्रेम सेट करना है। तो उसके लिए आपका एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओरिजिनल वाला सबसे ऊपर, तो गाइस आप क्लिक करेंगे और यहाँ से 9:60 वाला रील चूज कर लेंगे, ठीक है, जो कि हम इंस्टाग्राम रील के लिए करते हैं। देन क्या करना है, आपको लास्ट में जाना है और आपका एक वाटरमार्क मिल जाता है, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको इसको डिलीट कर देना है क्योंकि इसका आपका कोई काम नहीं है। तो अभी क्या करना है, आपका इसके इसका कोई चेंज करना है, तो देखो वो कैसे कर सकते हो आप। तो उसके लिए क्या करना है, आपका एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टिकर वाला, ठीक है, तो कैसे आप क्लिक करेंगे और ऐसे वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो आप क्लिक कर देंगे। तो कैसे आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी स्काई वाली, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे करेंगे चूज, ठीक है। तो वैसे इसे आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, मैं आपका वीडियो में आगे बता दूंगा। देन क्या करना है, देखो आप कहाँ पे स्टार से बड़ा कर लेना है, तो आप इसे बड़ा कर लेंगे और आप कहाँ पे ऊपर ला के रख देना है, तो यहाँ पे कैसे इसे स्टार से कर लेंगे, ठीक है। और कैसे आप कहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे अपने सर से ऊपर ही रखना है, ठीक है, मतलब आपके सर के ज्यादा नीचे ना आए। देन क्या करना है, कैसे आप कहाँ पे इसको एडजस्ट करना है अच्छी तरीके से। तो उसके लिए क्या करना है, आपको साइड में जाना है और आपका पे ऑप्शन दिख रहा हो मास्क वाला, तो कैसे आप क्लिक करेंगे और आपका पे लाइनर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो कैसे आपका पे दो बार टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरी बार में यहाँ पर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टाफ से पकड़ना है और कैसे आपको यहाँ पे नीचे ला के रख देना है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्टाफ से खींच लेंगे, यहाँ पे स्टाफ से कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल मर्ज हो जाएगा। देन क्या करना है, आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। सो कैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये वाला इफेक्ट हमारे चेहरे पर भी आ रहा है, तो क्या करना है, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से मर्ज करना है, ठीक है, अपनी स्काई के साथ। तो उसके लिए क्या करना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लेंडिंग वाला, तो कैसे आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से मल्टीप्लाई वाला चूज कर लेना है, ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल मर्ज हो जाएगा और यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। देन क्या करना है, आपको लास्ट में जाना है और आपको यहाँ पे देखना कि आपके यहाँ पर स्काई वाली वीडियो कहाँ पर खत्म हो रही है, तो जैसे यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो क्या करना, आपको अपनी मेन वीडियो को स्प्लिट कर देना है और इस वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे और आपको इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो वैसे आपका यहाँ पे इतना काम कंप्लीट हो चुका है। तो वैसे अभी क्या करना है, जो सबसे मेन काम है, बट उससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको सेव कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो पहले इसे गैलरी में सेव कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे हो चुका है वीडियो सेव एंड आपका से बैक कर देना, तो इसे कर देंगे बैक। और क्या करना है, आपको यहाँ पे लास्ट में जाना है और आपका पे ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस वाला, तो कैसे आप क्लिक करेंगे और ऐसे वीडियो एंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। सो गाइस आपका पे एक वीडियो मिलेगी जो कि लिरिक वाली है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे करेंगे चूज और गाइस आपका से अपनी उस वाली वीडियो को चूज कर लें जो कि हमने ऐसे अभी क्या सेव की थी, तो इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे करेंगे चूज, ठीक है। और गाइस आपको मैं लिरिक वाली वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है, मैं आपका पे वीडियो में आगे बता दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। देन आपका पे एरर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, आपका सबसे नीचे दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी क्या करना है, गाइस आपको यहाँ पे शुरू में जाना है और आप यहाँ से अपनी सारी वीडियो को डिलीट कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे मेन वीडियो को और यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पे डिलीट हो चुकी है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बस अभी क्या करना है, देखो आप यहाँ पे अपने पहले वाली वीडियो पे आना है, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और गाइस आपको यहाँ पे ये देखना कि इस बंदे की वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे देख के बता देता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो गाइस आप यहाँ पे देखते हो कि इस बंदे की वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इस क्या करना है, आपको यहाँ पे इसकी वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपको कट लगा देना है, ठीक है, तो जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वैसे आपको यहाँ पे कट लगा देना है, ठीक है, स्प्लिट वाला ऑप्शन क्लिक करके, और आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट पे क्लिक करना है और आपको इसको डिलीट कर देना है, ठीक है, इसका आपका कोई काम नहीं है। तो बस अभी क्या करना, आपको यहाँ पे म्यूजिक एड करना है, तो उसके लिए क्या करना, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा म्यूजिक वाला, तो वैसे आप क्लिक करेंगे और ऐसे म्यूजिक वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपका पे आइकन दिख रहा होगा प्लस वाला, तो कैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे एक्ट्रैक्ट प्रोमो वीडियो पे, तो कैसे आप क्लिक कर देंगे और अपना से फिर से अपने लिरिक वाली वीडियो को चूज कर लेना है, ठीक है, लिरिक वाली को, तो इस पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे चूज और ऐसे ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, तो इसका जो साउंड होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा और यहाँ पे आ चुका सबसे ऊपर, आप देख सकते हो। तो इस पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे चूज और यहाँ पर एड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे वीडियो में ऑडियो भी लग चुका है। तो देखो अभी क्या करना है, आपका भी इफेक्ट लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, आपका अपनी वीडियो पे आना है, ठीक है, दूसरी वाली पे, तो कैसे आप आएंगे और आपका ऑप्शन दिख रहा होगा एफएक्स वाला सबसे नीचे, तो कैसे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, और आपका से डिटेल डाउन वाला
ऑप्शन चूज कर लेना है। तो मैं आपका भी दिखाई देता हूँ कि कौन सा वाला है, तो वैसे आपका भी दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल शुरू में लेके आ जाएंगे और यहाँ पे आगे तरफ बढ़ा लेंगे जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। और यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, देन गाइस आपका भी जाना है लास्ट में, ठीक है। और आपका भी ये देखना है कि हमारे यहाँ पर म्यूजिक कहाँ पर खत्म हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर खत्म हो रहा है तो क्या करना, आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना है और आपका पे अपने म्यूजिक के बराबर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे इतना कर लेंगे, तो गाइस फाइनल वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। एंड अभी क्या करना है, देखो गाइस जो सबसे मेन काम है, आपका पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्पीकर वाला, तो वैसे आप क्लिक कर देंगे। तो अगर आपके यहाँ पर इन दोनों वीडियो में थोड़ी बहुत ऑडियो होगी तो ऐसे बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो वैसे ऐसे वीडियो को चला के देखते हैं, अभी देखते हैं कैसे बनी है। सो गाइस आप भी देखते वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, एक लाइक तो बनता है। तो उस अभी क्या करना, आपको अपनी गैलरी में सेव करनी है, तो उसके अलावा आप एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना और यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आप गैलरी में सेव हो जाएगी। और गाइस आप मैंने जो म्यूजिक वीडियो और स्काइप वीडियो का यूज़ किया, तो गाइस इसे आप मेरे टेलीग्राम से बहुत इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस अगर वीडियो चलते वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।